राहुल गांधी की अमेठी के हार के बाद इस बार उन्हें कांग्रेस ने रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी छोड़ने पर भाजपा अब राहुल पे हमलावर है। प्रधानमंत्री ने खुद राहुल गांधी पर तंज कसा। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान पीएम बोले कि मैंने पहले ही ये बता दिया था कि राजकुमार वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी टिकट खोज रहे हैं और अब उन्हें अमेठी से भाग कर रायबरेली की टिकट चुननी पड़ी। ये वही है जो हर जगह घूम घूम कर लोगों से ना डरने को कहते हैं, तो मैं भी इन्हें यही कहूँगा कि डरो मत और भागो मत। पीएम अब बोले कि कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटते जा रही है। अब देश भी समझ गया है कि ये जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव लड़कर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं टीएमसी पर निशाना साधते हुए पीएम बोले कि बंगाल में टीएमसी की सरकार ने हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। ये कौन सा लोग हैं जो जय श्री राम बोलने पर इन्हें आपत्ति हो जाती है। मैं टीएमसी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि संदेश खाली में हमारे दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ। पूरे देश कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन टीएमसी गुनाहगार को हमेशा बचाती रही, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि शायद दुनिया में कोई इंसान कल्पना तक नहीं कर सकता कि ईश्वर रूपी जनता इन पर अपना आशीर्वाद बरसाएगी। आप भी जानते हैं कि अगर पद प्रतिष्ठा की लालसा हो, पीएम के पद की लालसा हो, तो एक बार इंसान पीएम की शपथ ले ले, फिर उसे जीवन में ऊंचाई प्राप्त हो ही जाती है, इतिहास में नाम दर्ज हो ही जाता है। लोगों को लगता है कि अगर मोदी दो बार पीएम बन चुके हैं और दुनिया में इतना नाम हो गया है तो कभी तो आराम करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं खुद के लिए नहीं जीना चाहता, मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए सेवा करने के लिए निकला हूँ।